आज मेरे साथ है मनीष पॉल और संयुक्ता पॉल और इन दोनों ने डिसाइड किया है कि मुझे देंगे वेडिंग पुलाव। शट अप, आई डोंट थिंक यू शुड बी सेइंग एनीथिंग अबाउट वेडिंग्स। प्लीज क्यों? एक मौका होता है हर लड़की की जिंदगी में जब उसकी शादी हो रही होती है और उसकी विदाई हो रही होती है और उस टाइम पर मैं खड़े होकर रो रही थी और इन दोनों ने उस पूरे माहौल का मजाक उड़ा दिया था। मैंने नहीं, मनीष, मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ, ये हमारा वेडिंग पुलाव मोमेंट था और मैंने पुलाव में पूरा दही फैला दिया था, गिरा दिया था, बिकॉज इस इंसान के कारण। नहीं, गलती तुमने 2.5 किलो का दही फैलाया, ये गलती इसकी थी क्योंकि यहाँ पे विदाई हो रही थी और संयुक्ता बहुत इमोशनल थी, रो रही थी, जाहिर बात है, मतलब मम्मी पापा को छोड़ के मेरे पास आना है। अब वो तो रोने की तो एक तो रोने की बात वो, ऊपर से पंगा ये हुआ कि इन लोगों ने मेरे को जबरदस्ती पीछे पड़ के बोला कि यार तू ना सनी देओल की मिमिक्री करते हैं, और मनीष बहुत ओबीडिएंट, और मैं बिल्कुल अपने दोस्तों का ओबीडिएंट। जैसे कैसे, जैसे आपने क्या किया मनीष? मैं खड़ा था, मैंने कहा ये लड़की वहां पे रो रही है, ऐसे पता नहीं है कितनी खुशी का दिन है, ये मेरे साथ आ रही है, अब इसे चड्ढा भी नहीं रोक सकता, और मैं ये सब कर रहा था। और उसके बाद इंद्रजीत चड्ढा ने जो फटक फटक के मुझे मारा है। तो आई थिंक हमारा ज्ञान अगर कंक्लूड करेंगे तो अपनी शादी पे कृपया करके विदाई के समय सनी देओल को याद ना करें, कभी बिल्कुल भी ध्यान ना करें और बस अपना काम करें, वरना ऐसा हैंडपंप उखड़ेगा आपका जिंदगी का कि बस फिर बस ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। और एक चीज और ध्यान रखनी है, बस आपको बता दूं, 16 अक्टूबर को अगर आप कहीं और दिखे और मुझे पता चला कि आप वेडिंग पुलाव नहीं देख रहे और कुछ और कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैं घर आके आपके टुल्लू पर बुखार दूंगा। आपने जाके देख लिया वेडिंग पुलाव।